नमस्कार, टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं जुबी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही आपसी लड़ाई के बीच में अब विपक्षी भी इसे मुद्दा बनाकर अब निशाना साध रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष यानी विजय कुमार सिन्हा ने शिक्षा मंत्री और साथ ही बिहार के अपर मुख्य सचिव के बीच जो आपसी लड़ाई चल रही है उसको लेकर नीतीश कुमार और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री पर भी तंज कसा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिस तरीके से बड़े भाई ने चरवाहा विद्यालय खोला था, अब छोटे भाई जिस तरीके से चरवाहा विद्यालय में गलबहिया करके उनका साथ दे रहे हैं, ये शिक्षा व्यवस्था को किस ओर ले जा रहे हैं ये तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि जिसके आपसी मंत्री में कोई तालमेल नहीं है, जिस तरीके से अभी बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के अपर मुख्य सचिव के बीच जो आपसी लड़ाई सतह पर चल रही है, जिसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं, अब इसको लेकर शिक्षा व्यवस्था किस ओर जाएगी, छात्रों का भविष्य किस ओर जाएगा, इसका मालिक अब तो भगवान ही इसका तय करेंगे कि आखिर किस ओर अग्रसर कर रहे हैं बिहार के मुखिया बिहार के भविष्य को। पहले आप ये देखिए कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। जब से छोटे भाई ने चरवाहा विद्यालय वाले बड़े भाई के साथ गलबहियां कर दिन दहाड़े जनादेश का अपमान करते हुए सरकार बनाई है और माननीय चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री बनाया है, तब से शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में है। अब तो हद ही हो गई। माननीय मंत्री जी के आप सचिव को विभाग में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया। जब मंत्री और अपर मुख्य सचिव की लड़ाई ऐसी सतही स्तर पर उभर कर सामने आ गई, तब तो विभाग का भगवान ही मालिक है। अपर मुख्य सचिव और मंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाएगा। सुशासन बाबू, इस पर कोई ध्यान नहीं? ध्यान भी कैसे हो, प्रधानमंत्री बनने का जो सपना मन के अंदर संजो कर बैठे हैं और विपक्षी एकता का राग अलाप रहे हैं। चरवाहा विद्यालय वाले अचारा घोटाला करने वाले लोगों के दिल से मिली गलबहियां आज किस स्तर पर पहुंचा दिया है। यहाँ के नौजवानों ननिहालों को जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, शिक्षा मंत्री जी को उस पर ध्यान नहीं है। युवा पीढ़ी को आप किस तरह से यहाँ के शैक्षणिक वातावरण, यहाँ के शिक्षक के साथ जो पाप कर रहे हैं, उस पाप का फल फलीभूत होगा और आने वाला दिन में इसकी सजा मिलेगी। शिक्षा मंत्री जी, आप यहाँ के प्रतिभा का अपमान किए कि यहाँ गणित का, विज्ञान का, अंग्रेजी का प्रतिभा नहीं है, शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। आपके इस तरह के अपमान बिहार की जनता के हृदय में सूल के तरह चुभ रहा है और आप जैसे लोग शिक्षा विभाग के मंत्री के योग्य नहीं है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा नीतीश कुमार पर सीधा आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ छात्रों के भविष्य को उन्होंने बर्बाद करने का ठान लिया है, तो इस पर ये बताएं कि आखिर बिहार को वो किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच आपसी लड़ाई चल रही है, लोगों के सामने ये लड़ाइयाँ आ रही हैं, तो आखिर जिस तरीके से उन्होंने एक तो जो बेजुबान मंत्री को उन्होंने अपर मुख्य सचिव बनाया है और जिस तरीके से अज्ञानी को एक शिक्षा मंत्री बना दिया है, जिन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है, जो विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं, अलग अलग बातों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आखिर वो शिक्षा व्यवस्था को किस ओर ले जाएंगे, इसका जवाब हमें बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी दें। किस तरीके से वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक तरफ जहां छात्र बेरोजगार बैठे हुए हैं और एक तरफ जहां दिन प्रतिदिन बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी दुर्दशा सामने आ रही है, ये देखकर तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर बिहार अब किस ओर जाएगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कुर्सी पाने में इतनी लालसा उनमें जाग गई है कि वो इस अंधेपन में बिहार का भविष्य देख ही नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।